अस्सलाम वालेकुम। तो सुनाएं, आप सब भाई बहन बड़े बुज़ुर्ग कैसे हैं? तो मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट व्लॉग है। तो मेरी ज़िंदगी में हर वक्त ये समझें कि आगे पीछे घूमना फिरना चलता ही रहता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अपनी YouTube फैमिली को भी जो है उसमें ऐड किया जाए, आप सबको भी ज्वाइन कराया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तान कितना प्यारा है, कैसी कैसी नेचर पाकिस्तान में। तो मतलब हर वक्त कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये चीज़ें मतलब गैदरिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। तो काफ़ी अर्से से यूट्यूबर्स वगैरह को भी देख रहा हूँ और मतलब के बचपन से ये समझ लें कि मुझे बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का जिसको कहते हैं ना क्रेज़ है। और क्रेज़ क्या है कि मतलब ये समझ लें कि मॉडिफाइड कार्स, ठीक है, बाइक्स, और जो कि एज सच हर बंदे को, हर बॉय को होता है, एज बिंग अ बॉय हर बॉय को होता है कि भाई उसके पास एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी हो, बाइक हो, ठीक है। और ये बॉयज़ का क्रेज़ है, ये आप जो है सर, ये हर 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 बॉय इस चीज़ को समझ सकता है कि उसको कितना ज़्यादा लगाव होता है अपनी गाड़ी और बाइक से। तो गाड़ियाँ तो खैर शुक्र अल्लाह का रखी हुई थी, बनाई भी हैं, मॉडिफाई भी किए हैं, काफ़ी शौक पूरा किया है। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ये जो है सोच रहा था जहन में कि एक क्यों ना सुपर बाइक लिया जाए, जो कि मेरा एक बहुत पुराना एक ख्वाब है कि मैं एक सुपर बाइक लूँ और उस पर जो है राइड्स किया करूँ और पाकिस्तान की जो नेचर है उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी कुछ ऐसा प्लान है कि मैं अपने एक भाई हैं बहुत प्यारे, हरिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं वो, तो उनकी तरफ जाने का जो है प्लान बन रहा है कि उधर जाते हैं और जाके उनसे जो है वो बाइक वगैरह की परचेजिंग के बारे में बात तो हुई भी है। तो अभी खैर मेरे पास तो शाम का टाइम हो गया, हमने बेसिकली जाना सुबह था, लेकिन कुछ घर के कामों की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से हम लोग जो है वो नहीं जा सके, और जो भाई थे जिनके पास हमने जाना है वो भी कुछ मसरूफ़ थे। तो अभी उनसे बस कॉल्स वगैरह कॉल्स पे बात हुई हैं, तो अभी बस हम घर से निकल रहे हैं और उधर जा के इंशाल्लाह बाकी आपको रास्ता भी आपको दिखाएंगे, कोई ना कोई टाइम लैप्स बना के कुछ जर्नी आपको दिखाते हैं कि हमारा फर्स्ट व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसा रास्ता था, ठीक है, वो ईच एंड एवरी थिंग आपको व्लॉग में दिखाते हैं। तो वहाँ पर जाके इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी या जो बाइक है जो मैंने परचेज़ किया है, तो वो उसका भी रिव्यू आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी वीडियो में आगे ऐड करता हूँ। हाँ जी, तो कल शाम को हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग बाइक लेने जा रहे हैं। तो बाइक वगैरह तो हम लोग ले आए थे रात को, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर इसलिए वहाँ की कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सके, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके। भाई ने भी कहीं जाना था जिनसे हम लोगों ने बाइक परचेज़ किया है, उनकी कोई दावत वगैरह थी तो वो भी लेट हो रहे थे, और फिर हमने भी वापस आना था, तो बस वो कुछ जगह हम लोग मिस कर चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो रात को हम लेट आए थे, लेकिन ये था कि आने के बाद फिर हमने वॉश वगैरह किया बाइक को, ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी इसकी बनाई हैं जो कि मैं वीडियो में अभी डाल देता हूँ, वो आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो बस अभी सुबह सुबह उठे हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी की है, ब्रेकफास्ट वगैरह आया, अभी नाश्ता नुश्ता करते हैं, तो बस ये नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैं जाता हूँ बाहर, आपको रिव्यूज़ वगैरह देते हैं बाइक के, सारी उसकी डिटेल्स बताते हैं कि क्या चीज़ मैंने परचेज़ किया है, क्या क्या चीज़ थी, वो मैं सब अभी आपको बाहर जाने के बाद जो है ना उसको बताता हूँ। चलो
यही हाल आज रबी को मात का ज़िबान। और तुम अल्लाह पाक की और कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे हैं? तो शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी बॉट दिस ब्यूटीफुल मशीन सुजुकी GSXR 600। और सुजुकी मेड है ये, 600 cc है, 2008 मॉडल है ये मेरे पास। और इंतहाई प्यारी चीज़ है, इंतहाई प्यारी चीज़ है, ठीक है। और काफ़ी जद्दोजहद करते हैं इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि जो है अल्लाह पाक ने हमें इसको परचेज़ करना नसीब किया, और इतनी जुरत और ताकत दी अल्लाह ने कि हमने इसको जो है परचेज़ किया और अपनी ख्वाहिशात पूरी की। तो खैर, इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी पूरी नहीं होती, एक से बढ़ के एक, कभी एक ख्वाहिश होती है फिर दूसरी, दूसरी ख्वाहिशात कभी ख़त्म होती है। लेकिन ये एक मेरा ड्रीम था, मेरी ज़िंदगी का एक ड्रीम था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक सुपर बाइक लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे जो है ये एज अ गिफ्ट दिया है। और काफ़ी सारी इसमें जो है आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत काम है बाइक में जो कि करवाने के लायक हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि छोटे मोटे काम है, ऐसे सच देखें, ये जो है सीट कवर, ये थोड़ा सा रिपेयर करवाना है, ठीक है। कोई हल्की फुल्की कोई फिटिंग वगैरह जहाँ पर नहीं बैठी हुई, ठीक है। एज सच लाइक ये देखें, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मेनटेन करवाना, मतलब छोटे मोटे। आफ्टर मार्केट क्रैश कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके फ्रंट बैक दोनों ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, और सच अ ब्यूटी, कमाल की चीज़ है। और इसको बैठ के इसके ऊपर जो है ना हल्का सा इसको एक्सेलरेट करे बंदा, और ये अपनी वो रोर दिखाता है आपको कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। मेरा GoPro मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन वो उसका कुछ इशू आ गया, तो अभी इंशाल्लाह मैं नया GoPro लेने जाऊँगा शाम में, कल में, तो वो भी लेके फिर इसकी प्रॉपर राइडिंग की वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके वो भी आपको दिखाऊँगा। इसमें बेसिकली जो है ना इमोबिलाइज़र की आती है, इसमें बिल्ट इन इमोबिलाइज़र की आती है, और आराम से ये जो है ना GSXR, आप ये समझें कि 270 अगर ट्यून हुआ बाइक हो तो 270-275 आराम से क्रॉस कर जाता है। और ये इसमें दो बाइक्स आते हैं सुजुकी GSXR में, एक तो वो सादा वाला होता है और एक स्पेशल एडिशन होता है, और ये वाला जो है ये स्पेशल एडिशन है। और ये इसकी इमोबिलाइज़र की है, अगर इमोबिलाइज़र की मतलब इसकी अपनी ना हो और चाबी अगर इसको लगाएं तो वो जो है ना उससे ये स्टार्ट नहीं होता, तो ये इसकी इमोबिलाइज़र की है, ये इसका होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें डबल इंडिकेटर का भी फंक्शन बिल्ट इन आता है, और बाकी भी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग राइड करेंगे इस पर। अभी मैंने जाना है शाम को, और शाम को जाने के बाद जो है GoPro वगैरह मैं परचेज़ करता हूँ, उसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करके दिखाऊंगा वो भी वीडियो में। और फिर उसके बाद जो कोई जो भी हमारी राइड्स वगैरह होंगी वो भी हम लोग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो एक्रोपाविक का इसमें जो है वो बिल्ट इन एग्जॉस्ट आया है, और इंतहाई कमाल की साउंड है, कमाल का रोर है, कि ये तो भी वीडियो में वो बेसिक चीज़ नहीं आ सकती जो कि हम लोग एज़ लाइव सुन रहे हैं, वो चीज़ आप वीडियो में कभी भी सुन नहीं सकते, क्योंकि वीडियो में और लाइव में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो ये कमाल की चीज़ है, और जैसा कि ये भी मेरी नज़र पड़ी है, ये इसका एक छोटा सा ये पीस यहाँ से उतरा हुआ है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा फिक्स करवाना पड़ेगा। तो हल्के फुल्के छोटे मोटे काम हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। और चलें इसका आपको एक साउंड टेस्ट भी देते हैं। अच्छा, तो ये था जी हमारा आज का पहला व्लॉग, तो जिसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, तो इसको आज यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।